आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं, वो भी रोज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराता हुआ चेहरा हम सभी को पसंद ही आता है। साथ ही अगर मुस्कुराते हुए हमारे दांत पीले हो या गंदे हो तो इससे हमारी खूबसूरती में दाग लग जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी लो होता है। दांत पीले और ख़राब होने के कई सारे रीजंस होते हैं दोस्तों, जैसे कि हम ठीक से ब्रश नहीं करते हैं, स्वच्छता नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, तंबाकू, सिगरेट, इन सभी के कारण हमारे दांतों में पीलापन आता है। तो हम हमारे दांतों को साफ करने के कई सारे उपचार करते हैं, डेंटिस्ट के पास भी जाते हैं, दांत हमारे क्लीन करवाते हैं डेंटिस्ट से, परंतु फिर भी कोई फायदा नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसी जबरदस्त रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके दांत मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। इस रेमेडी के इस्तेमाल के तुरंत ही बाद आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे लिया है वो है इनो। इनो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा और ये कम से कम 7 रुपए का आता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच इनो ले लेंगे। तो आप कहेंगे हमने इनो क्यों लिया, इनो ऐसा क्या करता है जो कि हमारे दांत उसे सफ़ेद होते हैं। दोस्तों इनो में बेकिंग सोडा होता है जो हमारे दांतों को सफ़ेद करता है और दांतों में जो पीली परत जम जाती है ना उसे हटाने का काम करता है इनो। और दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमें यहाँ पे लेना है वो है नींबू यानी कि लेमन। लेमन जो होता है दोस्तों हमारे दांतों की गंदगी को हटाता है और साथ ही मुंह की बदबू को भी दूर करता है। नींबू जो होता है दोस्तों नेचुरल ब्लीच का काम करता है और लेमन जो है इसको हमें लेना है 1 चम्मच। तो 1 चम्मच हमने लिया है इनो और इक्वल क्वांटिटी में लेंगे नींबू का रस। नींबू जो होता है दोस्तों नेचुरल ब्लीच का काम करता है, ये आपके दांतों को नेचुरली सफ़ेद करेगा और ब्लीच करेगा। इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। इससे आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे और दांतों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो मिक्सचर हमने बनाया है ये हमारे दांतों को नेचुरली क्लीन करेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज फ्लेवर का इनो लिया है, तो आप कोई भी फ्लेवर का इनो ले सकते हैं, आप नॉर्मल इनो भी ले सकते हैं। देखिए दोनों ही चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब आपको बता दूं कि कैसे इसको यूज़ करना है। आपको सप्ताह में कम से कम एक बार इसको ज़रूर यूज़ करना है और यदि ज़्यादा पीले दांत हैं तो आप सप्ताह में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। कम से कम 2 सप्ताह इस रेमेडी को करके देखें दोस्तों, आपको 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इस पेस्ट को आप चाहे तो उंगलियों की मदद से लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। कम से कम 2 मिनट इस पेस्ट से आप अपने दांतों पर मंजन करें और फिर 2 मिनट बाद आप माउथ वॉश कर सकते हैं। इससे जो भी चाय कॉफ़ी के दाग होते हैं, दांतों में पीलापन होता है, दांत हमारे गंदे दिखते हैं, तो ये सारी समस्या इससे सॉल्व हो जाएगी। आप नॉर्मली भी टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं तो आपको अपने दांतों का पूरा पूरा ध्यान रखना है। इस रेमेडी को हफ्ते में एक बार आप करें और बाकी टाइम आप टूथपेस्ट से ब्रश करें। यदि आप अपने दांतों का ध्यान रखते हैं, अच्छी तरीके से क्लीन रखते हैं दांतों को और अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो आपके दांत पीले नहीं पड़ते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। क्योंकि दांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। जब भी हम हंसते हैं तो सबसे पहले हमारे दांत नोटिस में आते हैं। यदि हमारे दांत अच्छे होते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट सा फील होता है। अगर हमारे दांत पीले होते हैं, गंदे लगने लगते हैं तो हमें अपने आप ही हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। तो रोज़ाना दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, दांतों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने दांतों का ध्यान ठीक से नहीं रखते हैं, ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं तो हमारे दांतों पर धीरे धीरे करके येलो परत जमने लग जाती है जिसे फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि ऐसे में अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांतों का पीलापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपके दांत बिल्कुल मोती की तरह चमकने लगेंगे। जब भी हम किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और हम अपने दांत को क्लीन कराते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है और वो कुछ ही टाइम के लिए होता है, उसके बाद वापस से हमारे दांत पीले लगने लगते हैं कुछ समय बाद। ऐसे में यदि आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे और फिर से दोबारा से पीले नहीं होंगे। और ये बिल्कुल सेफ रेमेडी है दोस्तों, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद आप चाहे तो नॉर्मल टूथपेस्ट से अपने दांतों पर ब्रश कर लें और फिर आप देखेंगे आपके दांत बिल्कुल मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि आपके जरिए उनकी भी मदद हो जाए। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।
बाय, टेक केयर।